हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? देखो, आज हम यहाँ पे आए हैं। एक बाग है, वही वाला है जो पहले बना देते थे जहाँ वीडियो। तो आज आए हैं तो आज आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। देखो, जिन लोगों के मसाने में गर्मी है, धातु बहुत पतला हो चुका है और स्वप्न दोष होता है, खासकर जिनके पुट्ठे बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, ताकत बिल्कुल बची नहीं है, तो आज मैं उनके लिए फ्री का नुस्खा बताऊंगा। इतना फ्री का है और ये आपको एक दो दिन में ही कर लेना है। अगर आप एक दो दिन में कर लेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, नहीं कर पाओगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अभी पेड़ों पे उग आई है, अभी सीज़न है इसका। तो मैं हूँ, देखो, आम के पेड़ के पास। ये है आम का पेड़, देखो मैं ऐसे कर, आम का पेड़ है। अब मान के चलो ये जो बौर आया है, ये आम, देखो आप, ये जो बौर आया है इस पर, बौर आ गया इस पर, ठीक है। हमको क्या करना है, ये जो बौर वाला यहाँ से हिस्सा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा तोड़ लेना है। ऐसे करके लगभग आधा किलो लगभग हमें तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद फिर इसको सुखा लेना। मैं इसको तोड़ के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बेकार हो जाएगा, है ना, और बेकार हो जाएगा तो क्या फ़ायदा फालतू में। तो यह इनको आप तोड़ने के बाद फिर आप इनको सूखने रख दो छाया में। पता है, छाया में इनको तोड़ के और फिर छाया में सूखने रख दो। ये छोटे छोटे आम इनमें लगे हैं, ये लगे रहने दो, ठीक है। उसके बाद छाया में रख दोगे तो ये 4-5 दिन बाद सूख जाएंगे। सूखने के बाद फिर इनको आप मिक्सी में या किसी में डालकर पाउडर कर लो। पाउडर करने के बाद जितना ये पाउडर है इनका पाउडर है, उतना ही आपको मिश्री लेनी है, मिश्री, और मिश्री इसमें मिक्स कर लेनी है बराबर मात्रा में, ठीक है। बराबर मात्रा में मिश्री आपको मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको रोजाना सुबह शाम खाली पेट, खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले आपको रोजाना इसका सेवन करना है। ये आम का बौर है, आप देख सकते हो इस पे आम भी लगे हुए हैं। रोजाना सुबह शाम आपको खाली पेट, सुबह शाम खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले यहाँ से तोड़ लेना, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से तोड़ लेना, ठीक है। यहाँ से तोड़ने के बाद फिर आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। हमारे यहाँ पे आम हैं बहुत सारे, उधर भी पेड़ हैं, इधर भी पेड़ हैं, हर जगह पेड़ हैं आम के। तो मैंने सोचा आपको ये उपाय बता दिया जाए। ये सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छा उपाय है, अच्छा उपाय लिखा हुआ है, ठीक है। आराम से यूज़ कर सकते हो गर्मियों में और आपको लाभ बहुत अच्छा होने वाला। देखो इधर ना, इधर थोड़ी झाड़ियाँ सी उग आई हैं तो डर लगता है, अकेले इसलिए नहीं आता हूँ, इसलिए अपने रॉकी को साथ लेके आता हूँ। रॉकी देखो देखो, है इसको मैं अपने साथ लेके आता हूँ। माय बेबी, ये मस्त आदमी है। अगर मैं कहीं चला जाऊँ ना तो ऐसे ढूंढता है जैसे पता नहीं कौन खो गया इसका। हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चलो ठीक है, बस इतना ही था। अब मैं चलता हूँ और फिर मूँगा अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपनी परिवार वालों का, मेहरबान का, नमस्कार।